नवरात्रि का पवन समय अब समाप्त हो चुका है और देश भर में दशहरा के जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इस साल का दशहरा बेहद खास है? क्या वजह है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस साल का दशहरा किन राशियों के लिए सबसे शुभ होने वाला है, यानी वो कौन सी राशि के जातक होंगे जिनकी जिंदगी में सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। इसके लिए लोकल 18 ने होशंगाबाद के पंडित पंकज पाठक से खास बातचीत की। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर दशहरा पर इस बार क्यों खास है। अभी 12 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन नौ दुर्गा का जो दसवा दिन रहेगा, उस दिन दशहरा का यह महापर्व आने वाला है। यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। भगवान श्री राम की जो विजय है और सारे संसार में जो हम नौ दिन तक भगवती की आराधना कर रहे हैं, उसके समापन का यह दिवस है, यह दशहरा का पर्व जो है। इस दिन ज्योतिषी दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ शनि के कारण शश योग का निर्माण हो रहा है और शुक्र के कारण मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। श्रवण नक्षत्र इस दिन पड़ रहा है, प्रातः काल से सर्वार्थ सिद्धि योग है और ये ज्योतिषी योग जो मालव्य योग और शश योग का निर्माण हो रहा है, इसके कारण विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। आपने ये तो जान लिया कि साल 2024 का दशहरा कैसे खास होने वाला है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये दशहरा किन राशियों के जातकों के लिए शुभ समाचार लेकर आने वाला है। पंकज पाठक बताते हैं कि इस साल का दशहरा 12 में से कुल 3 राशियों के लिए बेहद अच्छा होगा। आइए जानते हैं वो 3 खास राशियाँ। तो वृषभ राशि के लिए यहाँ मालव योग का निर्माण हो रहा है और मालव योग का निर्माण करने के लिए संसार में जितने भी प्रकार के भौतिक सुख हैं, वे भौतिक सुखों की प्राप्ति उनको होगी, सकारात्मक परिवर्तन उनके जीवन में होगा और पूर्ण रूप से उनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि से पंचम में शनि के विराजमान होने के कारण तुला राशि वाले जो जातक हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के इच्छुक हैं, उनको प्रेम संबंधों में और विवाह के जो प्रस्ताव हैं उनमें सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ उनके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव आएगा, सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ उनको भी आर्थिक लाभ प्राप्त होने जा रहा है। 30 मकर राशि, तो यह जो शश योग का निर्माण हो रहा है यह मकर राशि से संबंधित होने के कारण जो मकर राशि के जातक रहेंगे इनको प्रतियोगी सफलताओं में प्राप्ति होगी। इनके जो मेहनत करे हुए जो कार्य हैं जिनमें इनको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनमें भी सफलता की प्राप्ति होगी, रोजगार में भी सफलता की प्राप्ति होगी और इनको सभी प्रकार से राजयोग का निर्माण होने के कारण हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी।